बहुत लंबा जो है वो एक डिफरेंस नजर आ रहा है सामने। और जो भारतीय तो बीजेपी जनता पार्टी बहुत आगे है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी जो 303 सीटें 2019 के अंदर लेकर के आई थी, एक प्रचंड बहुमत की सरकार थी, और जो घमंड और तकब्बुर के अंदर ये कहा जा रहा था कि अब की बार 370 पार भारतीय जनता पार्टी अकेले करेगी, और 400 पार का नारा जो है खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था लोगों के बीच। और मैं बार बार कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इतना कॉन्फिडेंट हैं तो अपने 10 साल के कार्यकाल पे वोट नहीं मांग रहे। लखनऊ रुक करना पड़ेगा हमें, लखनऊ में बीजेपी एसपी कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। देखिए अब ये देखिए जो रुझान दिख रहा है, रुझान का असर सड़क पर कैसे दिख रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच कैसे दिख रहा है। बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता लखनऊ में भिड़ गए हैं, तस्वीरें भी हम बहुत जल्द आपको दिखाने वाले हैं। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि जनसभाओं के दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीरें हम पहले भी देख चुके हैं, इसके बाद में जब मतदान हुआ कई जगह से पोलिंग बूथों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई जब कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, और अब मतगणना हो रही है तो तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आगे आप देखेंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, क्या कुछ वजह है थोड़ी देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जवाद जी, आप कह रहे थे कि ये अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, टैली पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं इसमें कितने प्लस माइनस आप देख रहे हैं? देखिए जो बताया गया था 293-295 इंडिया गठबंधन जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार ये बनाएगा। तस्वीरें भी आ गई, ये देखिए ये तस्वीर भी आ गई, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो आपस में भिड़ गए हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, क्या हुआ, क्यों भिड़ गए, कहाँ पर हुआ ये भी बताए। लखनऊ में कहा लोकसभा चुनाव को लेकर आ रहे रुझानों को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहले बहस हुई और उसके बाद देखते ही देखते मारपीट वहां पर होने लगी, जिसके चलते एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे अस्पताल भेजा गया है। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल ने फिलहाल वहां पर जो मौजूद कार्यकर्ता थे उनको भगा दिया है। ये जो घटना है ये मतगणना स्थल के पास स्थित एक ओवर ब्रिज के पास हुई थी, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के कई कार्यकर्ता झुके हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को वहां से तितर बितर कर दिया है। राजीव, अब क्या सिचुएशन कंट्रोल में है, कितने कार्यकर्ता जख्मी है, क्या दोनों तरफ के कार्यकर्ता है? नहीं, ये जो मारपीट हुई इसमें कोई बड़े स्तर पर कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, हालांकि एक युवक जरूर घायल हुआ है जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और उसके बाद क्योंकि मतगणना स्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है जिसके चलते हुए वहां पर तत्काल फोर्स पहुंचा और उन सभी को वहां से हटा दिया गया। यानी कि स्थिति काफी कंट्रोल कर ली गई है, अब हालात सामान्य है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस वक्त की जब ये झड़प हुई थी। ठीक, जानना जरूरी है कि आखिर वजह क्या रही, क्यों भिड़ गई है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन एक बात जरूर होगी कि ईवीएम को लेकर तो सवाल नहीं ही उठाए होंगे जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जवाद साहब, ईवीएम से अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार, जैसा की मैं साफ देख पा रहा हूँ की साफ अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तब भी आप देखिएगा कि हम ईवीएम के मुद्दे को उठाते रहेंगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको भी हम लोग करते रहेंगे, और कोई भी जो बात ऐसी कही गई है, ये घमंड वो है ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो कि मैं मरा नहीं हूं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी, हाँ। आरक्षण को बचाने की लड़ाई थी, संविधान को बचाने की लड़ाई थी। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए वो जमीनी सतह पर गांव गांव तक घर के अंदर पहुंचे हैं, और जितने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, अगर मैं कह रहा हूँ 10 साल के कार्यकाल के ऊपर लड़ते और चीजों के ऊपर बात होती तो तस्वीर हो सकता था, हालांकि हुई नहीं, हमेशा बेस नहीं है भारतीय जनता पार्टी का वो कि सच की राजनीति करे। पहली बार थोड़ी, ठीक है, नेहा यादव जुड़ गई है, राजीव भी दोबारा से जुड़ गए। हाँ राजीव, बताइए क्या वजह रही, किसके क्या कारण रहा जिसके चलते ये झड़प हुई थी। अब देखिए, जो शुरुआती लोकसभा चुनाव को लेकर रुझान आ रहे थे उसमें एक और जहां समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही थी उसको लेकर समाजवादी पार्टी, क्या गड़बड़ी का कोई आरोप लगाया गया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 सीटों पर 5000 वोटों का फासला है, मेरठ में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, और खीरी में भी सपा को 3175 वोटों से बढ़त है, बांदा में भी 2221 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, फैजाबाद में भी 3358 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है, और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर 5000 वोटों का अंतर है, और हमारे साथ में नेहा जी एक बार फिर से जुड़ गई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नेहा जी, 2019 के मुकाबले देखा जाए तो इस बार जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा
अच्छा है समाजवादी पार्टी का, बड़े फैक्टर क्या आप देख रहे हैं? क्या जो मुद्दे समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए थे उनका असर है कि जनता ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया? देखिए, जनता ने इस बार महंगाई के खिलाफ वोट किया जी। नेहा यादव जी की आवाज चली गई, कनेक्शन टूट गया है, दोबारा हम संपर्क करेंगे। तो राजकुमार चाहर 9529 वोटों से नेहा यादव फिर से जुड़ गई हैं। नेहा यादव जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, देश की जनता जानती है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने लगातार झूठ बोला, उस झूठ के खिलाफ आज जनता ने वोट किया है। जनता ने महंगाई के खिलाफ वोट किया है, जनता ने बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है, जिस तरह से किसानों पे अत्याचार हुआ उन किसानों ने आज अपना वोट के माध्यम से बदला। लेकिन नेहा जी, ये वही मुद्दे हैं जो कि पिछले कई सालों से विपक्ष की पार्टियां उठाती रही है। पहले इन मुद्दों का असर नहीं हुआ, लेकिन इस बार मुद्दों का असर हुआ है। देखिए, मुद्दों जनता को मूर्ख समझने की भूल भारतीय जनता पार्टी ना करे। उत्तर प्रदेश की, देश की जनता बहुत समझदार है, जनता हमेशा मुद्दों पे वोट करती है। यानी इस बार आपने नब्ज पकड़ ली जनता की, बात की थी कि जनता मुद्दों पे वोट करेगी। लेकिन उस दिन भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट थे जो लगातार कह रहे थे नहीं नहीं मोदी के चेहरे पे वोट होगा। अब इस हार का ठीकरा क्या प्रधानमंत्री मोदी पे फोड़ा जाएगा या इसको जेपी नड्डा का चेहरा बना दिया जाएगा? तो बीजेपी हार कहां रही है? अभी भी तो देखिए सीटों का जो फासला है वो काफी ज्यादा है। शाम तक नतीजे आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का। समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? समीर जी बोलिए। जनता पार्टी धराशायी हो चुकी है, ठीक है, इनके पास ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अरे यूपी में धराशायी आप कह सकती हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की स्थिति ऐसी नहीं है। समीर जी, नेहा जी, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट का इंतजार करिए। क्या अखिलेश यादव हार की जिम्मेदारी लेंगे? अखिलेश यादव अगर हार की जिम्मेदारी लेंगे तो उन्हें ये बताना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, आप धैर्य रखिए। एक राउंड में 5 विधानसभाओं में 50,000 वोटों की गिनती होती है, 50,000 वोटों की गिनती, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 वोटों का जो अंतर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप धीरे धीरे घट रही हो। ईवीएम को मत कोसना, निर्वाचन आयोग को गाली मत देना आप, और हार को स्वीकार करना। आप हार को स्वीकार करना। मनीष जी, समाजवादी पार्टी का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये गलत इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ भी करिए, क्या कर रहा हूँ, आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए, आवाज आप दोनों की कितना है? नेहा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दोबारा से आपको कांटेक्ट करेंगे। नेहा यादव जी, आप दोबारा से प्लीज कनेक्ट कीजिए, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। अयोध्या पर कितना अंतर है, चंदौली की क्या अंतर है, जालौन का क्या अंतर है? आप जब अंतर की चर्चा करेंगी, बांदा का क्या अंतर है? 200, 400, 500, 2000, 600 का अंतर, कोई अंतर नहीं होता। अगर एक बार में 40 आप किसे सिरे देंगे? यहाँ की जनता, गांधी परिवार को। आ रहे हैं और बवाल हो गया, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए लखनऊ में। अभी तो ये रुझान है, नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले भिड़ गए। और ये देखिए, INDIA गठबंधन यूपी में 44 सीटों पर आगे, लेकिन अब वो 41 पर आ गए। हमीरपुर से जीत, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर की जीत सुनिश्चित हो गई। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीत गए हैं, ये क्लियर हो गया है। तो हमीरपुर की परंपरागत सीट कहा जाता है इसे, अनुराग ठाकुर की काफी लंबे समय से वो यहां से चुनाव भी लड़ते रहे। एक बार फिर से उन्होंने यहां से जीत दर्ज की है, और इससे पहले आप उनके रिएक्शन भी सुन रहे थे। उनका कहना है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो एक और जो सीट है, हालांकि ये सीट पहले भी बीजेपी के पास में थी, अब हमीरपुर की सीट पर अनुराग ठाकुर ने जीत दर्ज कर ली है। तो एक बजने जा रहा है, एक बजने बजने तक अब चीजें क्लियर होने लगी, तस्वीर जो है अब वो साफ होने लगी है। अनुराग ठाकुर की जीत सुनिश्चित हो गई है हिमाचल के हमीरपुर से। एक और तस्वीर आ रही है, देखिए एसपी की सुनीता वर्मा आगे, और ये कहां से हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के अरुण सागर आगे चल रहे हैं बुलंदशहर से, हाथरस से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि आगे चल रहे हैं इस वक्त। अनूप वाल्मीकि 57,232 वोट से आगे चल रहे हैं। साक्षी महाराज भी आगे चल रहे हैं उन्नाव से 24,000 से ज्यादा वोटों से। मेरठ से अरुण गोविल पीछे हुए हैं, और ये जो नतीजे, मेरठ की सीट भी बीजेपी के लिए सुरक्षित कही जाती है। मेरठ इस लोकसभा सीट का जब से निर्माण हुआ, बीजेपी का यहाँ दबदबा रहा,
लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, वो भी अरुण गोविल, जिन्हें बहुत सोच समझकर यहाँ पर उतारा गया था, राम फैक्टर से जोड़कर उन्हें उतारा गया था। लेकिन शायद यहाँ की जनता ये बताना चाहती है कि आप बाहर से किसी को मत लाइए, आप बाहर से किसी को मत लाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट की बात बीजेपी करती रही है, लेकिन मेरठ की जनता ने कहा कि उन्हें अपना उम्मीदवार चाहिए था। अभी तक की तस्वीर तो लगभग यही लग रही है। एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है, केंद्रीय मंत्री हैं और इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं। और आगे चल रहे हैं एसपी सिंह बघेल आगरा में, वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और राम का यहाँ पर आपने जिक्र किया तो टीवी के राम काफी कमाल नहीं कर पाए, और साथ ही अगर हम बात कर ले राम मंदिर की तो उसका कहा जा रहा था कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उस पर काफी ज्यादा असर होगा। अमेठी के जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, अमेठी में भी कोई ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि इस बार जनता ने मुद्दों पर वोट किया है, और ये वही मुद्दे जो कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो उठाए गए थे वो भी अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने में काफी ज्यादा सफल साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब काफी हद तक तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत इंतजार अभी और करना होगा फाइनल रिजल्ट के लिए। तो वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा और एक बार पूरे देश की तस्वीर भी साफ कर देते हैं। 275 पर बीजेपी आगे, 19 पर जीत की तस्वीर क्लियर हो चुकी है, वहीं 238 पर आगे चल रही है एनडीए, 293 पर आगे, 229 पर INDIA गठबंधन आगे, अदर्स 21 पर आगे चल रहे हैं इस वक्त।